क्या अभी सिचुएशन है दिल्ली में, किस तरह से आप देखते हैं कि एक बार फिर से कोरोना की वापसी हो रही है? यदि हम पिछले एक सप्ताह का डाटा देखें तो लगातार संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट भी 10 से ऊपर पहुंच गई है और जैसा कि आपने बताया तो 12 से भी ऊपर पहुंच गई और हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा बढ़ा है। रिकवरी बहुत अच्छी है, हमने देखा कि पेशेंट्स का जो डेथ है, हमारे यहाँ कोई डेथ नहीं हुई, अभी आज का जो रिपोर्ट आया है तो 24 आवर्स में कोई डेथ नहीं हुई, तो ये हमें संतुष्टि है कि पेशेंट्स जरूर एडमिट हो रहे हैं पर कॉम्प्लिकेशन या डेथ कम है और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी कम है। सिर्फ 4% बेड ही ऑक्यूपाइड है, 4 से 4.5% बेड ऑक्यूपाइड है और 95% से ज़्यादा बेड खाली हैं। तो आप जो थर्ड डोज है, प्रिकॉशन डोज है या बूस्टर डोज है, वो अवश्य लें ताकि आपको भर्ती होने की आवश्यकता ना हो। सर, आपने मंकी पॉक्स की बात की, अभी क्या सिचुएशन है LNJP में या दिल्ली में? मंकी पॉक्स के हमारे पास 3 व्यक्ति एडमिट हैं, तीनों अफ्रीकन मूल के निवासी हैं और अभी रिकवर हो रहे हैं, उनका फीवर अभी ठीक हो रहा है पर उनके जो स्किन में जो प्रॉब्लम है, स्किन में जो लीजन है, वो अभी धीरे 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 रिकवर हो रहे हैं। सस्पेक्ट अभी कोई नहीं है, शुरुआत में जो पेशेंट आया था, इनिशियल जो पेशेंट था जो कि जुलाई में एडमिट हुआ था, वो रिकवर होकर घर भी जा चुका है।